बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हानमानसा शहजादी, गौहर पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम इसका हरूफ तहजी बे पढ़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखा रही हूँ। क्या ये देखो, ये क्या है? ये है बिल्ली। बिल्ली, बिल्ली की आवाज़ कैसे आती है? म्याओ म्याओ। और हम सबको बहुत प्यारी लगती है। किस किस को बिल्ली पसंद है? आपको बिल्ली पसंद है। और बिल्ली का नाम हम जब लेते हैं तो हमें इसकी इब्तदाई आवाज़ का आती है, ज़रा गौर से सुनो। बिल्ली बिल्ली बिल्ली, ब बिल्ली ब बिल्ली। आपको पता है ब की शक्ल कैसी होती है? मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ब की शक्ल। ये ब है। ब, और इसका नाम आपको पता है क्या है? जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, इसका नाम है बे। बे इसका नाम है और इसकी आवाज़ क्या है? ब ब। और इसकी ये शक्ल होती है कश्ती नुमा। शुरू करें, एक लेटी हुई लाइन और ऐसे ऊपर की तरफ, और बे के नीचे एक नुक्ता होता है। ये बे की शक्ल है। इसका नाम क्या है? बे। और आवाज़ क्या है? ब। ब से बनता है बिल्ली। अब हम अपने सफ़े की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर हमें कौन कौन से और नाम देखने को मिलेंगे। अरे वाह, यहाँ पर भी हमें एक प्यारी सी बिल्ली नज़र आ रही है। और इसके साथ कौन है? बल्ला। बल्ले से हम क्या करते हैं? हाँ, क्रिकेट खेलते हैं। बिल्ली बल्ला, बिल्ली बल्ला, बिल्ली बल्ला। और इसकी पहली आवाज़ क्या आ रही है? ब। आवाज़ क्या आ रही है? ब ब। और ब की शक्ल क्या है? ये है ब की शक्ल। ब ब। और इसकी आवाज़ है ब। इसका नाम क्या है? बे। बे बिल्ली, बे बल्ला। ब बिल्ली ब बल्ला। तो आज हमने बे की आवाज़ भी सुनी है, आवाज़ भी सीखी, फिर हमने सीखा कि इसकी शक्ल कैसी होती है और इसका नाम क्या है। और इस तरह से हमने आज बे से बनने वाली बहुत सी चीज़ों के बारे में सीखा। और मुझे बताएं, बे से क्या क्या बन सकता है? ब ब बिलाल। बिलाल का नाम भी बे ब से बनता है। अब हम यहाँ पर बे लिखना सीखेंगे। ये है हमारा इब्तदाइया नुक्ता, ठीक है? और हमने यहाँ से शुरू करना है, एक कश्ती नुमा तिरछी सी हल्की सी लाइन लगानी है, एक लेटी हुई लाइन लगाएंगे और यहाँ से ऊपर एक छोटा सा कर्व बनाएंगे, राइट? और इसके नीचे, बे के नीचे क्या होता है? एक नुक्ता। यहाँ से हम दोबारा लिखेंगे, ऊपर से नीचे हल्की सी तिरछी लाइन, फिर एक लेटी हुई सीधी लाइन और यहाँ से ऊपर नीचे एक नुक्ता। ये है बे। इसकी आवाज़ क्या है? ब। और शक्ल ये है, और नाम क्या है? इसका नाम है बे। और ये इसकी शक्ल है, इसकी आवाज़ है ब ब। अब हम स्लेट के ऊपर बे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाइया नुक्ता, ऊपर से नीचे एक हल्की तिरछी लाइन, एक सीधी लेटी हुई लाइन और ऊपर की तरफ हल्का सा कर्व, नीचे एक नुक्ता। ये है बे। ये बे है, बे की शक्ल है,
इसका नाम बे है और आवाज इसकी क्या है, सब मिलके बोलेंगे ब ब ब। ब के नीचे एक नुक्ता, ब के नीचे एक नुक्ता। अब हमारे सफ़े के ऊपर हमें बे की शक्ल नुक्तों की मदद से लिखने के लिए और कुछ साथ प्रैक्टिस के लिए भी दी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से हमें बे लिखने का तरीका यहाँ पे बताया गया है उसी के मुताबिक हम यहाँ पर नुक्तों को आपस में मिलाते हुए बे लिखेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम पेंसिल फेरते जाएंगे। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता, नुक्तों को आपस में मिलाते हुए हम लिख रहे हैं बे बे, बे की शक्ल है, इसका नाम क्या है बे, ये इसकी शक्ल है और आवाज क्या है ब। हम इस तरह से नुक्तों को आपस में मिलाते हुए लिख रहे हैं बे। बे के नीचे एक नुक्ता और इसी तरह से हम तमाम नुक्तों वाले जो बे के अशकाल हैं उनको बनाते जाएंगे। आखिरी लाइन के ऊपर हमें यहाँ पर एक इब्तदाई नुक्ता बस दिया गया है। हम यहाँ से ऊपर से नीचे एक हल्की सी तिरछी लाइन लगाएंगे, लाइन तक आएंगे, फिर हम एक सीधी लेटी हुई लाइन लगाएंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे और नीचे एक नुक्ता। इसी तरह से हम बे की दूसरी शक्ल लिखेंगे, बे बे। तो इस तरह से हमने बे को लिखने की प्रैक्टिस भी की है। हम लोगों ने सबसे पहले प्री राइटिंग एक्टिविटी की, उसके बाद हम लोगों ने सफ़े के ऊपर बे की शक्ल लिखी है। नाम क्या है बे और आवाज़ है ब। डियर टीचर्स, इस पेज पर आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। जब आप कमरे में जमात में आएँ तो बच्चों को सलाम कहें, इनसे पूछें कि आपका क्या हाल है। उसके बाद आप बच्चों को हरूफ तहजी में बे और इसके शुरू होने वाले अल्फाज की आवाज़ बोलकर सुनाएं, क्योंकि कोई भी ज़ुबान जब बच्चे को सिखाई जा रही होती है तो उसमें हम सबसे पहले उसकी सुनने की सलाहियत को इम्प्रूव करते हैं, उसके बाद हम उसकी बोलने की सलाहियत को इम्प्रूव करते हैं, उसके बाद उसके पढ़ने की, और बाद में हम लिखने की सलाहियत को इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरह से हमने जब भी कोई हरूफ तहजी बच्चे को सिखाना है तो उसमें सबसे पहले हम उसकी आवाज़ की पहचान करवाएंगे और बच्चे के सामने बार बार उसको रिपीट करेंगे ताकि बच्चा बेहतर तरीके से बे की आवाज़ को सुन सके और फिर उसके बाद बोलने के काबिल हो जाए। बताएं कि हरूफ बे का तलफ़ुज़ बे है, यानी कि उसका नाम क्या है, तलफ़ुज़ क्या है, बे है, इसकी आवाज़ ब है और इसकी शक्ल कैसी होती है। बच्चों को बताएं कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। हरूफ बे लिखने और बोलने में बच्चों की रहनुमाई करें, बच्चों को हरूफ बे उंगली से हवा में लिख कर दिखाएं, बे से शुरू होने वाले मजीद अल्फाज बताएं जैसे बादाम, बंदर वगैरह। अगर बच्चों में से किसी का नाम भी बे से शुरू हो रहा है तो वो भी आप बच्चों को बता सकते हैं। बच्चों की लिखाई में मजीद बेहतरी के लिए स्लेट, तख्ती और इनके और ऐसा सामान मुहैया करें जिसके ज़रिए बच्चे बेहतर तरीके से लिखने की पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद अपने सफ़े पर आएँ। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक बहुत ही अच्छी नज़्म सुनेंगे, ठीक है, आप लोगों ने गौर से सुनना है, ठीक है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बिल्ली पाली है, सर से दुम तक काली है, इसकी आंखें नीली हैं, देखो तो चमकीली हैं, जब मैं उसे बुलाती हूँ म्याओ म्याओ करके आती है। यहाँ पर देखो, पाली है, काली है, नीली है, चमकीली है, बुलाती हूँ, आती है, ये सारे हम काफ़ी अल्फाज हैं, यानी जब भी हम नज़म पढ़ रहे होते हैं ना तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं उसमें। आज हमने बहुत ही दिलचस्प नज़म पढ़ी है बिल्ली की, और आपको पता है बिल्ली कैसे बोलती है, म्याओ म्याओ। और घर में जितने भी चूहे होते हैं ना, बिल्ली उनकी दुश्मन होती है और वो उन चूहों को मार देती है और इस तरह से हमें बहुत बड़े नुकसान से भी बचाती है। और बिल्ली शौक से क्या पीती है, दूध पीती है, और हमें बिल्ली बहुत प्यारी लगती है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
आपको मेरे हाथ में ये कुछ नजर आ रहा है? ये एक फ्लैश कार्ड है और इसके ऊपर ये क्या बना है? ये पतंग है। पतंग, कितनी खूबसूरत पतंग है। और इसमें देखें आपको कितनी प्यारी इसकी आंखें हैं। और हम इसको हवा में उड़ाते हैं। लेकिन हम छोटे हैं ना, हमें फिर इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमें पतंग के साथ जो वो गंदी सी डोर मिलती है उससे बहुत सारा नुकसान होता है ना, तो हमें उस नुकसान से बचना चाहिए और हमें इसको हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन ये पतंग जो है बहुत खूबसूरत लगती है। ये है पतंग। पतंग क्या है? पतंग। ज़रा गौर करो इसकी आवाज़ क्या है। प प पतंग, वेरी गुड। प पतंग, प पतंग। आपको पता है प की शक्ल कैसी होती है? ये है प प प की शक्ल। और इसका नाम क्या है? पे है। पे इसका नाम है, ये इसकी शक्ल है। और इसकी आवाज़ क्या है? पतंग, वेरी गुड। और ये हमने यहाँ पर देखा, ये तो बिल्कुल बे जैसा लग रहा है, लेकिन इसके नीचे हैं तीन नुक्ते। अब हम देखते हैं पे से और कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं। तो चलते हैं अपने पेज की तरफ। यहाँ पर हमें बहुत सी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये क्या है? ये है पत्ता। जो पौधे के ऊपर लगा हुआ होता है, हरे रंग का पत्ता है ये। और ये कौन है? ये है पांडा। पांडा, पत्ता पांडा, पत्ता पांडा। ज़रा इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनो, पत्ता पांडा। ये है प प पत्ता, प पांडा। और ये शुरू होता है, ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये है पे की शक्ल। पे की शक्ल है ये। और इसका नाम है पे। पे के नीचे तीन नुक्ते। पे इसका नाम है। और इसकी आवाज़ क्या है? प प पत्ता, प पांडा। पे पत्ता, पे पांडा। अब हम पे को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले हम चलेंगे अपनी प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ की तरफ। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता। हम ऊपर से नीचे की तरफ हल्की सी तिरछी लाइन लगाएंगे, एक सीधी लेटी हुई लाइन लगाएंगे और ऊपर छोटा सा कर्व बनाएंगे। ये तो बिल्कुल बे जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन बे के नीचे था एक नुक्ता, यहाँ पर पे के नीचे क्या होगा? तीन नुक्ते। ये है पे की शक्ल। इसका नाम पे है। पे की शक्ल ये है। और इसकी आवाज़ क्या है? प प प पांडा, प पे पत्ता भी। अब हम इसको मज़ीद लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ये है इसका इब्तदाई नुक्ता। ऊपर से नीचे हल्की सी स्लांट लाइन, एक लेटी हुई सीधी लाइन और एक कर्व बनाएंगे ऊपर की तरफ। जी, और इसके नीचे कितने नुक्ते? तीन नुक्ते। ये पे है। पे की शक्ल बिल्कुल बे जैसी है, लेकिन इसके नीचे तीन नुक्ते हैं। इसकी आवाज़ क्या है? प प प पत्ता, प पांडा, प पतंग। अब हम यहाँ पर पे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यह है इब्तदाई नुक्ता। नुक्तों को आपस में मिलाते हुए हम लिख रहे हैं पे। इब्तदाई नुक्ते से स्टार्ट करेंगे और पे, पे के नीचे तीन नुक्ते, बिल्कुल इस तरह से। हमने उसी तरीके को अपनाना है जो फॉर्मेशन हमें किताब पर दी गई है। डॉट से शुरू करेंगे, नुक्तों को आपस में मिलाते हुए लिख रहे हैं पे।
और यहाँ पर आखिरी लाइन में हमें सिर्फ इसका इब्तदाइया नुक्ता दिया गया है ताकि हम उसको लिखने की प्रैक्टिस करें। यहाँ पर इब्तदाइया नुक्ते से हम शुरू करेंगे, ऊपर से नीचे एक स्लांट लाइन लेके आएंगे, लेटी हुई सीधी लाइन और ऊपर की तरफ नीचे तीन नुक्ते, बिल्कुल इस तरह से। वेरी गुड, आपने बहुत ख्याल से इसको लिखना है और बहुत ही गौर से देखना है कि हमने किस तरह से पे लिखने की प्रैक्टिस की है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कमरा जमात में जब आप आएँ तो बच्चों को अस्सलाम वालेकुम कहें, उसके बाद बच्चों से हाल अहवाल पूछने के बाद पे से बनने वाली तमाम तस्वीरें पहले दिखाएं, उसके बाद बच्चे को बताएं कि इनके नाम क्या हैं। जब बच्चे चीज़ों के नाम को अच्छे तरीके से समझ जाएं तो उनसे कहें कि वो पहचान करें कि इन जितने भी नाम उनके सामने लिए गए हैं उनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है। जब भी आप बच्चों को कोई ज़ुबान सिखा रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले बच्चे को आवाज़ यानी लिसनिंग स्किल उसकी डिवेलप करने की ज़रूरत होती है। हम उसकी जो है वो आवाज़ या सुनने की महारत बच्चे की बेहतर करते हैं, उसके बाद बच्चे की बोलने की महारत को बेहतर किया जाता है, उसके साथ ही हम पढ़ने की और लास्ट पर हम लिखने की प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि लिखने की महारत बच्चे को बेहतर तरीके से हो सके। इसके साथ ही बच्चों को बताएँ कि पे से और कौन कौन से अल्फाज बनते हैं, उसका तलफ़ क्या है, हवा में पे लिखने की प्रैक्टिस करवाएँ। और इसके साथ ही बच्चों को बताएँ कि पांडा एक जानवर है जिसकी शक्ल रीछ से मिलती है और बहुत ही क्यूट सा लगता है। इसके साथ ही पे से बनने वाले मज़ीद अल्फाज बच्चों को बताएं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से पे को पहचान सकें और वो सुनने बोलने पढ़ने और लिखने के काबिल हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों के घर में बहुत से लोग रहते हैं, क्या आपके घर में कोई जानवर है? आपके घर में बिल्ली है, वेरी गुड। अरे वाह, आपके घर में बकरियां हैं। जो जानवर हम घर में पालते हैं उन्हें पालतू जानवर कहते हैं। वो हमसे प्यार करते हैं और हम भी उनसे प्यार करते हैं, उनसे हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और बहुत से जानवर तो हमें बहुत प्यार से हमारे साथ रहते हैं और बहुत फ़ायदे भी देते हैं। जैसे आप बता रहे थे कि आपके घर में बकरियां हैं, तो बकरियां तो बहुत स्वीट होती हैं, हम उनसे दूध भी दोहते हैं और फिर हम उनको काट के उनका गोश्त भी खाते हैं। तो इसी तरह से बहुत से लोग घरों में बहुत से जानवर पालते हैं। हम लोग आज अपनी किताब में भी पालतू जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कितने सारे जानवर हैं, क्या आप लोगों के इनके नाम आते हैं? यहाँ पर ये है गाय। गाय किस किस ने देखी है? आपके घर में है? वाह जी वाह, ये गाय है, ये घोड़ा है, और ये ऊंट है, वेरी गुड। ये भेड़ है जो हम ईद पे कुर्बानी के लिए लेके आते हैं। ये क्या है? ये कुत्ता है। ये है बकरी। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि आप लोगों ने कभी घर में ऊंट पाला है? नहीं आपने? ईद पे लेके आए थे आपके अब्बू जान। तो बहुत से लोग जो हैं वो अपने घरों में बहुत सारे ऊंट भी पालते हैं। जो लोग सहरा में रहते हैं ना, वो लोग अपने घरों में इतने सारे ऊंट पालते हैं, घोड़े अपने घर में पालते हैं, फिर इसको सवारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, गाय भी पालते हैं, गाय से दूध लेते हैं और हम लोग फिर उस दूध को पीकर सेहतमंद हो जाते हैं। भेड़ भी इसी तरह से है, हम भेड़ को काट के उसका गोश्त भी खाते हैं। कुत्ता बहुत क्यूट लगता है, और आपको पता है जब हम लोग घर में नहीं होते तो कुत्ता हमारे घर की हिफाजत भी करता है, रखवाली करता है हमारे घर की। और जिन लोगों ने अपने घरों में कुत्ते पाले होते हैं ना, वो किसी अनजान आदमी को, किसी भी ऐसे शख्स को जिसको वो पहचानता ना हो, उसे घर में दाखिल नहीं होने देता। और इस तरह से जो घर है वो चोरों से महफूज रहता है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर देता है जब वो किसी अनजान आदमी को देखता है। तो इस तरह से जो मालिक होते हैं उनको पता चल जाता है कि हमारे घर के आसपास कोई ऐसा शख्स है जिसको कुत्ता नहीं पहचानता, वो अनजान है। तो इस तरह से घर को महफूज रखने के लिए लोग अक्सर अपने घरों में
कुत्ता पालते हैं और बकरियां भी घर में पाली जाती हैं। बकरी से हम दूध दोहते हैं, फिर इसका गोश्त भी खाते हैं और जब इसके छोटे छोटे से बच्चे पैदा होते हैं तो वो बहुत प्यारे लगते हैं, हमें उसके साथ खेलना भी बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो इन तमाम जानवरों को जो कि हम घर में पालते हैं उन्हें पालतू जानवर कहते हैं। क्या कहते हैं? पालतू जानवर कहते हैं। तो आज हमने कितने सारे पालतू जानवरों के बारे में पढ़ा है। आप भी अपने घर जाके अपनी अम्मी अब्बू से मज़ीद पालतू जानवरों के बारे में पूछिएगा, ठीक है, और हम लोग कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। क्लास में आएँ, बच्चों से हाल हवाल पूछें और उनसे कहें कि जो भी जानवर आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं या पहले बच्चों से पूछें कि वो इनके नाम जानते हैं। अगर कोई बच्चे उन चीज़ों के नाम जानते हैं तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं जानते तो आप उनको हेल्प करेंगे और बताएँगे कि इन जानवरों के नाम क्या हैं। बच्चों को बताएं कि घर में पाले जाने वाले कौन कौन से जानवर हैं और जो जानवर घर में पाले जाते हैं उनको पालतू जानवर कहा जाता है। वो हमारे किस काम आते हैं, हम उनसे दूध लेते हैं, उन पर सवारी करते हैं या मज़ीद बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों को बताएं कि जो जानवर हम घर में पालते हैं इनको पालतू जानवर कहते हैं। और कुत्ता घर की रखवाली करता है, ऊँट पर हम सवारी कर सकते हैं और खेत और जो बैल होती है उससे हम खेतों में हल भी चला सकते हैं। बच्चों से पूछें कि इनके घर में कौन कौन से पालतू जानवर हैं और इनके नाम अपने वालिदैन से पूछ कर आएँ ताकि हम लोग अगली क्लास में उससे डिस्कस कर सकें। जब भी हम बच्चों को कोई नया कॉन्सेप्ट करवा रहे हों, नई चीज़ के बारे में बताएं, तो उनसे आप प्री नॉलेज ज़रूर लें ताकि हमें आइडिया हो सके कि बच्चे जिस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम बच्चों को इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, बच्चे ऑलरेडी उसके बारे में क्या जानते हैं, ताकि हमें वो चीज़ें जानने का मौका मिल सके कि बच्चे जहाँ से जानते हैं, जितना जानते हैं, हम उससे मज़ीद कुछ बेहतर बच्चे को प्रोवाइड कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।